हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक पति व्लॉग्स। तो काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। लास्ट शूट मैंने जो किया था वो थी दिवाली में शूट, और आज मैं शूट कर रहा हूँ, मैं अपने नेटिव प्लेस में हूँ जिसका नाम है मान बाजार पुरुलिया वेस्ट बंगाल। कंटेंट कैसे बनाए? कंटेंट के लिए चाहिए स्टोरी, और हर टाइम स्टोरी पॉसिबल नहीं है। बस इसी कंफ्यूजन में वीडियोज नहीं आ रही थी, सच बता रहा हूँ। स्टोरी बननी चाहिए ना, तभी ना मैं आपको कुछ ना कुछ बताऊंगा। स्टोरी जरूरी है, सारे पैसे उसी के ही हैं स्टोरी के। तो कुछ एक्टिविटी तो होनी चाहिए ना, कहीं जाना चाहिए। तो कहीं कुछ एक्टिविटी किया ही नहीं भैया, तो कहाँ से आएगी वीडियो। तो ये एक एक्टिविटी ही करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मस्त लाइट आ रही है ना, बढ़िया लग रहा है। और अभी मैं रेडी होके आता हूँ इन 1 2 एंड। तो जब हम कल अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे थे, और रास्ते में हमने बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें देखी, और एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। तो चलिए देखते हैं। मैं कलंदर मस्त कुल सरार से आ रहा हूँ, मैं कलंदर मस्त कुल सरार से आ रहा हूँ। मैं शाहूँ मैं शाहूँ मैं शाहूँ मैं शाह मैं शाहूँ मैं शाहूँ मैं शाहूँ मैं शाह। तो यहाँ पे गाइस देखिए, गुड़ बन रहा है, और इसको 4 घंटा लगेगा बनने में गुड़। तो वापस आने के टाइम पे हम यहीं पे रुकेंगे और देखेंगे गुड़ कैसे बन रहा है। और ये लोकेशन देखिए, बहुत ही सही है। अरे उनंडा देखिए, उच्चा पूरा खजूर रस और किचु नहीं ना। जो खजूर रस आछे तुम्हारे कछे एकटु ना? एखन आर नहीं। हां तो देखिए, नीचे में पूरा गरम हो गया है, और ऊपर में खजूर जो है, वो खजूर का जो गुड़ है वो बन रहा है। बहुत ही सही लग रहा है, ये खाने का टाइम लेंगे। शहर से दूर, सिटी के बिजी लाइफ से दूर, खेत खलियानों में जाने में जो मज़ा आता है ना, उसका एक्सपीरियंस अलग ही है। वो मैं आपको बता नहीं सकता वर्ड्स में, आप इसको देखिए और थोड़ा बहुत मज़े लीजिए। मेरा गांव मेरा देश। सुबह उठ के ये जो फ्रेशनेस की फील है ना विलेज में, ये एक अलग ही टाइप से, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। ये जो फील जो है ना, फ्रेश एयर, फ्रेश ब्रेथ, नो पॉल्यूशन, इसकी कुछ बात ही अलग होती है भैया। इसलिए तो पहले के जमाने में क्या होता था, लोग बोलते थे यार चलो शहरों की तरफ बढ़ते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं, कुछ वहाँ पे अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, लोग अब पिकनिक मनाने के लिए गाँव, शहर, फार्म हाउस, ये सब ज्यादा ढूंढते हैं। मतलब कैसे सीन्स चेंज होते रहते हैं ना हमेशा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं व्लॉग में और देखते हैं क्या क्या मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे घर के पीछे के सीन्स हैं, आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे काफ़ी पेड़ और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है।
लेकिन घर की हालत तो आप देख ही सकते हैं, काफ़ी टूट टाट गया है और इसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है पिछले कई सालों से। तो देखते हैं। तो ये लाइफ की एक साइकिल है जो हमेशा चेंज ही होती रहती है। तो कभी भी कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंट नहीं रहती, कभी भी कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती। एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, ठीक है। मतलब बहुत ही नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है यहाँ की, एंड हाल फिलहाल में काफ़ी घर वगैरह बन गए हैं यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा बहुत पोल्यूटेड हो गया है, लेकिन शहर की तरह नहीं है, काफ़ी फ्रेश एयर है। आपको दिख ही रहा होगा पीछे के सीन्स, काफ़ी क्लैरिटी है एंड एवरीथिंग इज सो गुड हियर, फ्रेश एयर एंड वगैरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। তুই রোজ যদি করিস না তোর চ্যালেঞ্জ উইদিন ৬-৭ মাসের মধ্যে তোর পেমেন্ট স্টার্ট হয়ে যাবে।